आज 10 दिनों बाद उत्तरकाशी से एक सुखद तस्वीर आई। 10 दिनों बाद सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की तस्वीर पूरे देश ने देखी। सबसे अच्छी बात है कि सभी के सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। मजदूरों को बचाने के लिए 5 तरफ से सुरंग तोड़ने का काम चल रहा है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि उन्हें बाहर निकालने में अभी भी कुछ दिन और लग सकते हैं, लेकिन सभी मजदूर सुरक्षित बाहर जरूर निकलेंगे। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग से 10वें दिन ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें देशवासियों को बड़ी राहत मिली। सुरंग में फंसे मजदूर पहली बार कैमरे पर दिखे। सुरंग में पाइप के जरिए एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा भेजा गया था, इसके जरिए अंदर फंसे मजदूर पहली बार कैमरे पर दिखाई दिए। ये तस्वीरें देखकर ना सिर्फ मजदूरों के परिवारों के चेहरे पर थोड़ी खुशी आई, बल्कि रेस्क्यू मिशन में शामिल लोगों का भी हौसला बढ़ गया। कैमरे को पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचाया गया था और फिर मजदूरों ने उस कैमरे को हाथ में लेकर बारी बारी से सारे मजदूरों को दिखाया। वीडियो में आप दाएं से बाएं तक देख सकते हैं कि मजदूरों के आगे और पीछे काफी जगह नजर आ रही है, तो वहीं सभी मजदूरों के सिर पर टॉर्च वाली हेलमेट भी लगी हुई है। इस वीडियो को जी न्यूज ने सबसे पहले दिखाया। सभी को एक एकर के कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना कि ये हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। विशाल ये कौन है? इसके बगल वाला। मजदूरों के इस वीडियो से उन अफवाहों को पूरी तरह विराम लग गया जिसमें दावा किया जा रहा था कि टनल के अंदर मजदूरों की सेहत बिगड़ गई है। 10 बजे का वक्त यहाँ पर परिवार को दिया गया है जो यहाँ पर आकर लोगों से बात कर सकते हैं, अपने लोगों से। और अभी आप देखेंगे कि किस तरह से गतिविधि जो है अब बढ़ गई है। धीरे धीरे यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का आना जो है वो शुरू हो गया है। मशीनें आप बाहर देख सकते हैं जो यहाँ पर तैयार खड़ी है कि जो ये जो सीमेंटेड ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, इन ब्लॉक्स को कल भी अंदर ले जाया गया था, तो इसके जरिए जो एक एस्केप टनल बनाया जा रहा है उसको एक सेफ पैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अभी तक पहले पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाने का सामान भेजा जा रहा था, लेकिन अब 6 इंच की दूसरी पाइप मजदूरों की नई लाइफलाइन बन गई है। इससे कैमरा तो पहुंचा ही है, खाना और फल भी पहुंचाया जा रहा है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर चौतरफा काम चल रहा है। सुरंग में 5 दरवाजा बनाने की तैयारी रेस्क्यू टीम कर रही है ताकि 5ों में से जो भी रास्ता सबसे पहले बनकर तैयार हो उससे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड ड्रिक्स की निगरानी में उत्तरकाशी में मिशन जिंदगी पर काम चल रहा है। The project coming from the top of the mountain, I'm about to walk up the mountain and have a look, see how that's going. We've got the project at the back of the mountain, I'll be going over there to check on that. Plus we've got another project at the side. How I look at it, we're trying to create 5 doors. What we don't know is which one's going to open first, but the men are coming home. सिलक्यारा सुरंग के जिस मुख्य रास्ते से 3 फीट व्यास का पाइप डाला जा रहा था, ऑगर मशीन के ठीक होने के बाद एक बार फिर से ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। इस पाइप के जरिए अब तक 34 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। ड्रिलिंग के बाद उसमें अब तक 5 से ज्यादा पाइपें डाली जा चुकी है। मलबा 60 से 70 मीटर तक है, मतलब अभी भी आधा रास्ते की ड्रिलिंग बाकी है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 10वां दिन है और 10वें दिन की तस्वीर क्या है ये आपको बताते हैं कि किस तरह से देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन ने गति पकड़ी है। आज सुबह ही तस्वीरें आई जहां दिखा कि किस तरह से मजदूर जो हैं वो अंदर ठीक स्थिति में मौजूद हैं। और इस बीच आपको दिखाते हैं कि देखिए वो ऑगर मशीन के जरिए जिन पाइप्स को डालने का काम किया जा रहा था जिसमें व्यवधान आया था, फिलहाल वो पाइप्स जो हैं वो अंदर ले जाए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू प्लान के तहत पहाड़ी के ऊपर से भी एक रास्ता बनाया जा रहा है। इसी के साथ सुरंग के पिछले हिस्से से भी एक ड्रिलिंग चल रही है। सिलक्यारा में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हर अपडेट ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी रोजाना मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा भी कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2-3-4 ऑप्शन, उन में से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए, तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है, सभी एजेंसियां लगी हुई हैं। जी न्यूज ने सबसे पहले टनल में फंसे मजदूरों के जो वीडियो दिखाए उसमें झारखंड के विश्वजीत भी नजर आए। टनल साइट के बाहर मौजूद उनके छोटे भाई इंद्रजीत उस वीडियो में अपने भाई को देखकर बेहद खुश नजर आए। बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट तो कॉल घर तरफ से ही आया कि वीडियो में मैं देख रहा हूँ, तो मैं बोला जो बात मैं बोल रहा था कि अंदर में सब सेफ है, बहुत अच्छा है, तो शायद आप लोग को उम्मीद ना होता हो कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो अब वीडियो के द्वारा आप लोग खुद देख लीजिए कि वो अभी सकुशल है और बहुत अच्छा है। मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर आने के लिए देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। सुरंग के बाहर पूजा पाठ तो हो ही रही है, स्कूलों में भी छात्र मजदूरों के बाहर आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देश से लेकर दुनिया भर के सुरंग विशेषज्ञ उत्तरकाशी में डटे हुए हैं। सभी का लक्ष्य है मजदूरों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना। ऐसे में एक्सपर्ट अब किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में अभी कुछ समय और लगने की उम्मीद है। अंजलि सिंह के साथ राम मनोज, जी मीडिया, उत्तरकाशी। जी न्यूज़।